बात करते हुए हाथ पैर कांपना, पसीना आना या फिर आपकी आवाज कांपना, आप बहुत ज्यादा फंबलिंग कर रहे हो, ये सारी चीजें ही निशानियां होती हैं, साइंस होते हैं कि आप बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हो। अब हाथ पैर कांपना ना, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम और ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पूरा कंसेप्ट ना समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये चल क्या रहा है। सो हाई, हियर आज विद साई, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलता है रिलेटेड विद कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो हाथ पैर कांपना, ये कांपना वर्ड कितना अजीब साउंड कर रहा है। सबसे पहले और सबसे बड़ा सच जो मुझे काफ़ी देर से पता चला कि ये जो सिचुएशन है ना, ये रियल है ही नहीं, ये सिर्फ हमें ऐसा फील हो रहा होता है। और जब हमें ऐसा फील होता है ना कि ओ नो, हम नर्वस हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि दूसरे लोग भी देख पा रहे हैं कि हम नर्वस हो रहे हैं, बट एक्चुअल में कोई भी, लिटरली कोई भी जो है नहीं देख पा रहा होता है। ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा शिवर कर रहे हो, आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा कांप रहे हैं, आप बेहोश होने की कगार पे और लोग नोटिस कर पा रहे हैं, जब आपको कोई बहुत ज़्यादा यू नो शॉकिंग न्यूज़ वगैरह मिले, उस मोमेंट पे ये चीज़ होती है। नहीं तो अगर आपको स्पीच डिलीवर कर रहे हैं या इंटरव्यू में हैं, थोड़े बहुत हाथ पैर कांप रहे हैं, तो उस चीज़ को कोई भी नोटिस नहीं करता है। और ये मुझे को पता कब पता चला था, जब हम एक टाइम पे ना स्टेज के ऊपर ऐसे स्पीच जो है दे रहे थे और दो तीन लोगों की बारी हो चुकी थी, उसके बाद मेरी जो है टर्न आई थी। स्पीच कुछ ऐसे खास नहीं थी, 4-5 मिनट बोलना ही था, हर एक का एक एक टॉपिक था। तो एक दो लोगों ने बहुत अच्छा बोला, मेरी टर्न आई, मैं भी गई, हमने भी अपनी ओर से बेस्ट करा। बट 30-40 सेकंड बोलने के बाद ना, जब हम ऑडियंस के साथ आई कॉन्टेक्ट बनाते हैं, उनको देखते हैं, तो कुछ चेहरे आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जिनको देख के इंसान को ऐसा फील होता है कि हम ही कुछ गलत बोल रहे हैं, या हमारे कॉन्फिडेंस को वो लो करते हैं कि बहुत बोरिंग है, सही नहीं है, समथिंग लाइक दिस। और वो चीज़ हमको क्या है, थोड़ा सा हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड थॉट्स आने लगते हैं, तो हमारा फोकस ना हमारी स्पीच से, प्रेजेंटेशन से हट जाता है, जिसके बाद क्या होता है, आप गलती पे गलती पे गलती करते जाते हो और आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप इतना ज़्यादा नर्वस हो रहे हो कि सारे लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। मेरे को भी ऐसा ही लग रहा था, बट स्टिल मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग चलाया और अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस हिसाब से यूज़ करा, हमने आई कॉन्टैक्ट बनाया, मैंने प्रॉपर पॉजेज लेना शुरू करा, थोड़ा सा मैंने अपनी वॉइस टोन को हाई कर लिया, सो दैट अगर थोड़ा बहुत फंबल हो भी तो वो दिखे ना, तो वो सारी चीज़ें पॉजेज वगैरह ज़्यादा अच्छे से लिए कि पता ना चले किसी को भी। बट वो चीज़ जब मैं आ गई, मैंने बाद में अपने फ्रेंड से पूछा कि है ना कैसे स्पीच थी, आपको पता है मेरे तो हाथ पैर बहुत कांप रहे थे, समथिंग लाइक दिस। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उस चीज़ को नोटिस भी नहीं करा और वो काफ़ी सरप्राइज थे कि मैंने कितने कॉन्फिडेंस से उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करा है जो इतना टफ था। और उस मोमेंट पे मेरे को तो पता था कि एक्चुअल सिचुएशन क्या हुई थी, मैंने जो फील करा था, मेरे को पता था कि मैं काफ़ी नर्वस थी। हाँ, वो तो अलग बात है कि मैंने वो दिखने नहीं दिया, नर्वस तो मैं थी और मेरे को ये चीज़ पता थी। तो वहाँ से मेरे को ये पता चला कि आप नर्वसनेस को छुपा सकते हो, आप अपना अगर कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिखाते हो तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। ये हाथ पैर कांपना, इट्स जस्ट कि वो आपको फील हो रहा होता है, बहुत एक छोटी सी फीलिंग होती है, आपको वो फील हो रहा है, बट कोई दूर से इंसान जो है उस चीज़ को इतना नोटिस नहीं कर पाता है। बस आपने क्या है, अपना कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल रखना है और बॉडी लैंग्वेज के ऊपर वर्क करना है। बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाया है, इसी चैनल पर अपलोड करा हुआ है, फ्री में है, उसको देखना। वो जो ट्रेनिंग है ना, उसमें आपको इतनी की चीज़ें तो पता चल जाएंगी कि आप नर्वसनेस को कंट्रोल करना जो है सीख जाओगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, एक और डिटेल्ड वीडियो है नर्वसनेस के ऊपर, काफ़ी पहले मैंने बनाई थी, उसमें इस कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है, आप उस वीडियो को भी जो है देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, देन क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।